हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। सो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कनाडा नए नए आ रहे हैं। सो चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, या फिर नेपाल से हो, बाकी कंट्री से आ रहे हो, तो मेरी लैंग्वेज तो उनको समझ आएगी नहीं, क्योंकि मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है, जो लोग भी डिफरेंट कंट्री से कनाडा आते हैं, अगर मान लो यहाँ पे आपका कोई नोन नहीं है या आपको कोई नॉलेज नहीं है कनाडा की, सो मैं पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे डाल रहा हूँ कि जब आपने आना है तो क्या करना है और कैसे सर्वाइव करना है फर्स्ट 1 or 2 months में, और जो जो भी चीज़ें आपने करनी है या लेनी है वो मैं सारी इस वीडियो में डिटेल में बना रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहला मेरा पॉइंट है, जैसे ही आप यहाँ पे अराइवल होते हो कनाडा में एयरपोर्ट पे, सो मैक्सिमम लोगों के तो एयरपोर्ट पे सिन नंबर अप्लाई हो जाता है। सो सिन नंबर क्या है? सोशल इंश्योरेंस नंबर, जिसके बेस पे आप यहाँ पे काम करोगे और आपका सारा टैक्स इसी पे कटेगा। सो वो होता है सिन नंबर। सो आपने आते ही वो पहले अप्लाई करना है, उसके बेस पे ही आपको काम मिलेगा। सो सिन अगर आपका एयरपोर्ट पे अप्लाई नहीं होता, जहाँ पे इमिग्रेशन होती है उसके साथ ही सिन अप्लाई हो जाता है, अगर इनकेस आपका वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है तो आपने सर्विस कैनेडा जाके उसको अप्लाई कर लेना है आते ही इमिजिएटली। अगर सर्विस कैनेडा नहीं जा सकते हो, नहीं पता ट्रैवल कैसे करना है, तो आपने सर्विस कैनेडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हाउ टू अप्लाई सिन लिखना है और वहाँ पे सारी अपनी डिटेल भर देनी है, जो भी है आपके पास, जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो एंड में अप्लाई कर देना, और ऑनलाइन अप्लाई करके आपको 1 to 2 weeks के अंदर आपके घर में अपने आप आ जाएगा। सो गाइस, दूसरा मेरा पॉइंट है प्रेस्टो कार्ड। सो मैं दूसरा पॉइंट क्यों रखा हूँ इसको, क्योंकि जैसे ही आपका फर्स्ट काम हो गया तो उसके बाद जितने भी काम आपने करवाने हैं वो सारे आउटसाइड है। सो आउटसाइड जाने के लिए आपको प्रेस्टो कार्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने ट्रैवल करना है तो आपको बसेस लेनी पड़ेगी। सो उसके लिए आपको प्रेस्टो कार्ड चाहिए होगा, क्योंकि हर टाइम आप कॉइन्स कैरी नहीं कर सकते अपने साथ। सो प्रेस्टो कार्ड बनाना कैसे? सो आपने सर्च करना है नियर बाय में शॉपर्स ड्रग मार्ट, वहां पे जाके ये बन जाएगा। सो अगर मान लो आपके पास प्रेस्टो कार्ड नहीं है तो अपने पास कॉइन रख लो या इंडिया से लेके आ जाओ $10, $20, $30, ताकि आप फर्स्ट टाइम कहीं ट्रैवल करो तो चाहे कि आप प्रेस्टो कार्ड बनाने जा रहे हो तो आपके पास कॉइन्स होने चाहिए फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने के लिए। सो कॉइन्स डालो जितने भी होते हैं, $3-3.5 अभी चल रहा है बस का टिकट। सो वो डालो जैसे ही आप एंटर करते हो बस में। शॉपर ड्रग मार्ट सर्च करो अपने गूगल पे नियर बाय मी करके, और जो भी आपका नियर बाय होता है वहाँ पे जाके क्लिक करो मैप पे, और बस आपको शो हो जाएगी वहाँ पे। सो बस पे क्लिक करके आप नियर बाय शॉपर स्टोर पे जा सकते हो। इवन आपके मैप पे सब पता होता है कि कहाँ पे आपने जाना है पैदल, और कहाँ से बस स्टॉप से आपने किस नंबर की बस लेनी है, वो कब आएगी, वो सारा मैप में कवर होता है। सो चलिए, दो पॉइंट मेरे कवर हो गए, अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। सो जैसे ही आपका प्रेस्टो कार्ड बन जाता है आप ट्रैवल कर सकते हो। सो आपका सबसे पहला काम है उसके बाद सिम लेना। तो अगर आपके पास इंडिया का भी नंबर है या कहीं और का नंबर है, वो व्हाट्सएप पे तो चलेगा बट आप कॉल नहीं कर पाओगे कनाडा में। सो आपको एक नंबर चाहिए होगा। सो नंबर कहाँ से लेना है और कैसे लेना है मैं बताता हूँ आपको। तो अगर तो आपने विदाउट नेट, मतलब बहुत ही चीपेस्ट प्लान लेना है, तो आप चैटर से ले सकते हो। चैटर एक नेटवर्क है तो यहाँ का सिम का, सो वहाँ से ले सकते हो। आपको $20-25 में जस्ट कॉलिंग और मैसेजिंग मिल जाएगी पर मंथ के हिसाब से, वो सबसे चीपेस्ट, चीप नहीं होगा यहाँ पे। बट अगर आपने फोन चेंज करना है, मान लो आपने आईफोन पे स्विच करना है, तो फ्रीडम जो होता है वो बहुत सी डील देता है स्टूडेंट्स को। सो फ्रीडम, आप फ्रीडम नेटवर्क से जाके आप कंसर्न कर सकते हो, वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करके आपको डील दे देगा आपके स्टूडेंट बेस पे। सो स्टूडेंट आईडी लगेगी आपकी, और फ्रीडम से आपको आईफोन मिल जाएगा चीपेस्ट प्राइस में, एज कम्पेयर टू जो वर्क परमिट या पीआर में होते हैं उनको नहीं मिलता है उतने कम प्राइस में जितना स्टूडेंट को मिल जाता है। अगर इन दोनों चीज़ों को हटा के अगर आपने बाकी नेटवर्क देखने हैं, तो और भी कई यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जैसे कि रोजर, फाइडो, फ्रीडम, वर्जन और बेल, ये सारी काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। इनके डिफरेंट सिनारियो है, मतलब अगर आप पीआर हो या वर्क परमिट पे हो तो आप स्विच कर सकते हो, क्योंकि इनके नेटवर्क काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे बेल हो गया, रोजर्स हो गया, इनके नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू चैटर एंड फ्रीडम। फ्रीडम आपका GTA वगैरह में नई नई बड़ी बड़ी सिटी में चल जाएगा, बट अगर आप कहीं रूरल एरिया में या गांव साइड जाते हो या कहीं और जाते हो आउटसाइड ऑफ सिटी, तो आपके ये नेटवर्क बिल्कुल कम हो जाएंगे। सो गाइस, आपका नेटवर्क हो गया, मतलब आपकी सिम आ गई, तो उसके बाद आपने इंस्टेंटली उसके बाद क्या करना है, आपने GIC अकाउंट जाके बनवाना है अपना, जो कि आपने इंडिया से अप्लाई कर दिया था, या नेपाल या पाकिस्तान जहाँ से भी आप हो वहाँ से आपने GIC अप्लाई कर दी थी।
तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको उस बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक में जाके आपकी डिटेल वगैरह मांगेंगे, पासवर्ड जो वो, और आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद आपके एक आधे वीक के अंदर आपके सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वो सब बन के तैयार हो जाएंगे। और अगर आपका स्कोशिया का बैंक है तो मैं एक टिप देता हूँ यहाँ पे, अगर आप स्कोशिया का बैंक है तो उनसे सीन पॉइंट्स वाला एक कार्ड जो होता है वो जरूर मांगना, वो फ्री में होता है। उसका फायदा क्या होता है, जब आप सीन पॉइंट्स वाला कार्ड उनसे लेते हो तो आपका उसके साथ लिंक हो जाता है क्रेडिट कार्ड के साथ। जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड बार बार यूज करोगे ना, मान लो 1000 आपने यूज कर दिया तो उसके 1000 पॉइंट मिल जाते हैं सीन कार्ड में। सो सीन कार्ड के पॉइंट जो होते हैं वो क्रेडिट कार्ड में शो होते रहते हैं, और विद इन द टाइम जैसे जैसे आप यूज करते रहते हो तो उसके पॉइंट बढ़ते रहते हैं। मान लो आपका 3000 प्लस पॉइंट हो गया सीन्स का, तो आपको $30 रिटर्न आपको मिल जाएंगे उसमें क्रेडिट कार्ड में। अगर वो नहीं लेने हैं तो सीन पॉइंट काफ़ी जगह चलते हैं, जैसे ग्रोसरी स्टोर में और जहाँ पे मैक्सिमम लोग मूवीज देखने जाते हैं, तो 1500 पॉइंट में एक मूवी मिल जाती है वहाँ पे, तो सीन पॉइंट काफ़ी प्लस पॉइंट है आपका। सो गाइस, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है लाइसेंस। जैसे ही आप एंटर करते हो कनाडा में, ये सारी चीज़ें फटाफट करवाने के बाद आप लाइसेंस पे भागो, जितना जल्दी हो सके अपना जीवन दो। क्योंकि अगर आपके पास बैक होम कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है लाइसेंस का, तो आपका लाइसेंस काफ़ी डिले होगा बनने में। 8 मंथ लग जाते हैं G1 के बाद दूसरा ड्राइविंग का टेस्ट निकालने के लिए, वेट करना पड़ता है 8 मंथ का। उसकी फुल वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो आपको मेन टिप मैं बता दूं कि जल्दी से जल्दी अपना G1 बना दो, जिसको रिटर्न बोलते हैं वो जल्दी से जल्दी दे दो जाके। और वो कहाँ होता है, अगर आप ओंटारियो में हो कनाडा में, तो सर्विस ओंटारियो करके आप अपने नियर बाय सर्च करना और वहाँ पे जाके आप बना सकते हो G1। और हाँ गाइस, अगर आप विंटर में आ रहे हो और आपका प्लान है विंटर में कनाडा आने का, तो मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आप विंटर में कहीं से भी आ रहे हो ना, तो विंटर की शॉपिंग करके कनाडा में मत आना। क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान में नहीं होता है। तो यहाँ की विंटर की जो क्लोथ्स होते हैं वो एज कम्पेयर टू इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वहाँ से विंटर के क्लोथ्स कोई भी लेके मत आना, चाहे शूज़ हो, चाहे जैकेट हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ, वार्मर लेके आ सकते हो जो इनर पहनते हैं, उसके अलावा जो भी जैकेट्स होती हैं या नीचे पैंट्स वगैरह लोअर होती हैं, जहाँ पर शूज़ होते हैं, वो कनाडा से ही लेना। क्योंकि यहाँ के जो क्लोज वगैरह होते हैं या शूज़ होते हैं वो -30, 40, 50 degrees तक सर्वाइवल होते हैं। सो मैं बता दूँ, अगर आपने विंटर की शॉपिंग करनी है तो कहाँ से करनी है, सबसे पहले मैं बता दूँ, शूज़ से शुरू करते हैं। अगर आपने विंटर के शूज़ लेने हैं तो कहाँ से ले सकते हो, अगर तो आपने चीप वे में जाना है, $30, $40, $50, $60 खर्चने हैं, तो आप वालमार्ट से लेके ले सकते हो। वालमार्ट एक ग्रोसरी स्टोर है जिसमें सब कुछ मिलता है, क्लोथ से लेके सब कुछ। बट वहाँ पे जो शूज़ होते हैं वो काफ़ी मतलब आपको चीप प्राइस में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो अच्छे ब्रांड्स का, मान लो आपने 5, 6, 7 साल चलाने हैं शूज़, तो आप कोलंबिया पे ले सकते हो जाके, जहाँ माउंटेन वेयर हाउस करके एक स्टोर होता है, वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। सो ये दो ब्रांड्स काफ़ी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू वालमार्ट। और जो लोग भी कनाडा से मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई भी मेरा पॉइंट छूट जाता है तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये यहाँ पे स्टोर है और यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। और एक और ब्रांड है विनर करके। विनर में यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जो बढ़िया बढ़िया ब्रांड होते हैं ना, उनकी जब सेल लगती है तो वो बार बार चीज़ें नहीं बिकती हैं, तो वो उठा के विनर्स में आ जाती हैं। मतलब विनर्स में मान लो जो चीज़ $200 की होगी वो $70-80 में लगी होती है। कोई भी ब्रांड ले लो, मतलब बड़े से बड़ा ब्रांड आपका वहाँ पे विनर्स में मिल जाएगा। वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी ऑप्शन है आपके पास, विनर्स जाके आप सारे क्लोथ्स, जैकेट जितने भी ब्रांडेड होते हैं वो सारे ले सकते हो। सो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, अगर आपने जैकेट्स लेनी है वो कहाँ से लेनी है। सो जैकेट्स मेनली आपको जो विंटर की होती है वो आपको विनर्स में मिल जाएगी। विनर्स में आपके शूज भी हो जाएंगे, आपकी जैकेट्स भी हो जाएगी। मतलब $70 से लेके $200-300 तक जितना भी आप खर्च सको अपने हिसाब से, उसके हिसाब से वहाँ पे शूज़ भी मिल जाएंगे आपको अच्छे ब्रांड्स के, और प्लस आपको जैकेट भी मिल जाएगी। इवन आपके जो ट्राउज़र वगैरह होते हैं वहाँ पे एडिडास, नाइकी ये सारे लगे होते हैं वहाँ पे, तो वो भी आपको 40 से स्टार्ट हो जाते हैं, 40 से 70 के बीच में होते हैं ट्राउज़र वगैरह। सो शूज़ हो गए, जैकेट हो गए, ट्राउज़र हो गए, उसके बाद आपको कैप भी चाहिए होगी और ग्लव्स भी चाहिए होंगे, वो सारा भी आपको विनर्स में मिल जाएगा। मेरा मानना है कि विनर्स आप एक बार ट्राई कर लेना, विनर्स में मैक्सिमम चीज़ें होती हैं। अगर विनर्स में अफोर्डेबल नहीं लग रहा है तो आप वॉलमार्ट से ले सकते हो। और आपका घरेलू जो भी छोटा मोटा मतलब चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आपको डोलरामा में मिल जाएंगी। कोई भी घर का कोई भी सामान हो, नैपकिन्स, टिश्यू, ये वो सारा कुछ वो चीप प्राइस में, कम क्वान्टिटी में आपको डोलरामा में मिल जाएगा, वो वहाँ पे जाके विजिट करके आप ले सकते हो। सो उसके बाद आता है ग्रोसरी।
मान लो आप नए हो, आपको नहीं पता कि ग्रोसरी कहाँ से करनी है, कौन से स्टोर होते हैं, आपने कौन सा सुने होंगे जब आप नए आए हो और आपका कोई फ्रेंड नहीं है अभी स्टार्टिंग में। मान लो आपके कॉलेज स्टार्ट होने हैं 15-20 दिन के बाद, तो आपका कोई फ्रेंड नहीं बना या कोई ओल्ड फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप ग्रोसरी करने कहाँ जाएं। सो यहाँ पे मैं 6-7 स्टोर बताऊंगा जहाँ पे आप ग्रोसरी कर सकते हो। सबसे पहले है वॉलमार्ट, दूसरा मेरा है फ्रेशको, उसके बाद है नो फ्रिल, देन कोस्को, ये सारे स्टोर तो हो गए जहाँ पे ग्रोसरी हर तरह की मिल जाती है। बट अगर आप इंडिया, नेपाल या पाकिस्तान से हो और आपको ऑथेंटिक चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे सब्जी मंडी करके स्टोर्स होते हैं अपने नियर बाय। अगर ब्रैम्पटन में आ रहे हो या मिसी इलाका में आ रहे हो, तो सब्जी मंडी करके स्टोर होता है, उसको सर्च करना नियर मी, तो वहाँ पे जाके आप ऑथेंटिक कोई भी इंडियन चीज़ हो, चाहे आपके यूटेंसिल्स हो, कोई भी बर्तन लेना हो, कुछ भी लेना हो इंडिया रिलेटेड, कुछ भी टूथ पेस्ट लेके, कुछ भी चीज़ है वो इंडिया की सारी वहाँ पे मिल जाती है, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। अगर आप बैक होम से मेडिसिन लेके नहीं आते हो और यहाँ पे आके बीमार हो जाते हो, मेडिसिन नहीं है तो आपको नहीं पता कहाँ जाना है, तो यहाँ पे नियर बाय सर्च करना शॉपर्स ड्रग मार्ट, वहाँ पे आपको सारी मेडिसिन मिल जाएंगी बिना प्रिस्क्रिप्शन के। गाइस मैंने शॉर्ट में ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, अगर आपको इन पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में फुल वीडियो चाहिए, डिटेल में वीडियो चाहिए, जो भी आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे अप्लाई करना है, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, और मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे भी जाके आप मेरे को पूछ सकते हो टेक्स्ट करके। सो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और यहाँ कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो, या फिर उसमें एक डिटेल वीडियो बनाना है तो मैं उस पर वीडियो भी बना सकता हूँ। सो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।